हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट क्रिएटिन के ऊपर। जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्सियल सप्लीमेंट रहा है बिगनर और इंटरमीडिएट के लिए। आज हम इन्हीं क्वेश्चन और मिथ्स को क्लियर करेंगे जो कि क्रिएटिन के अराउंड फैली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिन है क्या। क्रिएटिन बनता है तीन अमीनो एसिड से, ग्लाइसिन, आर्जिनाइन और मिथानाइन। प्राइमरी क्रिएटिन स्टोर होता है हमारे स्केलेटल मसल में, और ज्यादातर लोग जो कि नॉन वेज खाते हैं उनको क्रिएटिन मिलता है थ्रू सी फूड, रेड मीट, मीट एक्सेट्रा। हमारी बॉडी क्रिएटिन को नेचुरली प्रोड्यूस करती है हमारे ऑर्गन्स में, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज में। हमारी बॉडी बनाती है नेचुरली अराउंड 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में बन रहा है तो हमें इसे एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं है, इसको एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करना पड़ता है। बिकॉज हम एवरीडे जिम जाते हैं तो हमारे एटीपी लेवल्स डाउन होते हैं, और एटीपी लेवल्स को दोबारा इंक्रीज करने के लिए जितनी जरूरत हमें होती है वो नेचुरली फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए हमें क्रिएटिन एक्सटर्नली एज अ सप्लीमेंट लेना पड़ता है। क्रिएटिन के ऊपर ओवर 500 रिसर्च हो चुके हैं, फिर भी कुछ लोग क्रिएटिन नहीं लेते, बट 100 ऑफ स्टडी सपोर्ट करते हैं इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को। वो सोचते हैं कि उनकी हेल्थ के लिए बुरा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इश्यू आते हैं लिवर में, किडनी में। चलो आपके और अश्योरेंस के लिए आपको बता दूं कि एक स्टडी हुई जिसके अंदर 50 लोगों ने 24 मंथ्स तक क्रिएटिन लिया, उनके अंदर कैसा भी एडवर्स इफेक्ट विजिबल नहीं हुआ। सो ये वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट है। क्रिएटिन का प्राइमरली यूज होता है हमारे मसल साइज, स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज करने में। क्रिएटिन के और भी दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करना, हेल्दी एजिंग एक्सेट्रा। क्रिएटिन काम कैसे करता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर्स को इंक्रीज करता है। एटीपी होते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी स्टोर करता है और हमारे सेल को फ्यूल देता है, जिससे हमारे सेल को एनर्जी मिलती है और हमारी स्ट्रेंथ, मसल साइज, पावर और एनर्जी बूस्ट होती है। क्रिएटिन के फायदे, नंबर वन, इंक्रीज लीन मसल मास। क्रिएटिन हमारी बॉडी में इंट्रासेल्युलर वाटर होल्ड करता है, जिससे हमारी बॉडी में हमारे मसल की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। नंबर सेकंड, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड पावर। ये चीज आप भी नोटिस करोगे और इजीली विजिबल भी है कि अगर आप क्रिएटिन लेने से पहले स्क्वाट्स में 60-80 केजी वेट में स्ट्रगल करते थे, तो क्रिएटिन लेने के बाद विद इन 4-6 वीक्स जब आपके क्रिएटिन लेवल्स फुल हो जाएंगे, आप उस वेट को इजीली लिफ्ट कर पाओगे और आपके रेप्स भी इंक्रीज होंगे। नंबर थर्ड, ब्रेन हेल्थ। क्रिएटिन सप्लीमेंट से देखा गया है कि क्रिएटिन लेने से हमारी ब्रेन में क्रिएटिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं नियरली अबाउट 10%, जो कि ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करता है। और काफी स्टडी में ऐसा भी देखा गया है कि क्रिएटिन शॉर्ट टर्म मेमोरी और इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन की बेस्ट फॉर्म कौन सी है। सप्लीमेंट शॉप में बहुत सारे फैंसी टाइप्स के क्रिएटिन अवेलेबल है, लाइक क्रिएटिन इथाइल एस्टर, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, बफर्ड क्रिएटिन, लिक्विड क्रिएटिन एक्सेट्रा। इनमें से बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि हर स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, एंड ये सबसे इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी मोर देन 95% है। क्रिएटिन को कब और कैसे लेना चाहिए। क्रिएटिन को लेने के दो प्रोटोकॉल हैं। फर्स्ट, लोडिंग प्रोटोकॉल, मतलब कि हम क्रिएटिन को पूरे वीक में लोड करें। सेकंड, डेली लो डोज नो लोडिंग प्रोटोकॉल, मतलब कि हम क्रिएटिन को उसकी रिकमेंडेड डोज में ले बिना लोड करें। आइए अब इसको डीपली अच्छे से समझते हैं कि क्रिएटिन की लोड और नो लोड प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्रिएटिन लेवल्स को डिस्क्राइब करा है डायग्राम में, जो कि लोडिंग और नो लोडिंग फेज का है। तो चलिए समझते हैं, पहले जब हम क्रिएटिन को फर्स्ट डे लेना स्टार्ट करेंगे तो पहले देखते हैं लोडिंग फेज। जब हम क्रिएटिन को फर्स्ट डे लेना स्टार्ट करेंगे लोडिंग फेज में, तो हमारे एटीपी लेवल्स मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लेवल्स 7 डेज में फुलफिल होंगे। और वहीं दूसरी साइड देखें नो लोडिंग फेज, तो हमारे 7 डेज में ग्रेजुअली एटीपी लेवल्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, जो कि फुलफिल होंगे हमारे 28 डेज में। तो ये था डिफरेंस लोडिंग और नो लोडिंग फेज में। लोडिंग फेज में हमारे एटीपी लेवल्स 7 डेज में फुलफिल होंगे, और वहीं नो लोडिंग फेज में हमारे एटीपी लेवल्स 28 डेज में फुलफिल होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि लोडिंग और नो लोडिंग फेज में क्या डिफरेंस है और वर्क कैसे करते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप नो लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करें, ताकि आप
स्लोली प्रोग्रेस कर लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि क्रिएटिन को कैसे लें। वैसे तो आप क्रिएटिन को किसी भी टाइम ले सकते हैं, बट जो लोग लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे उनको 20 ग्राम 7 दिन तक डिवाइडेड डोसेज में लेना है। मतलब कि आप 5 ग्राम दिन में 4 बार किसी भी टाइम ले सकते हैं, और फिर 7 दिन तक 20 ग्राम क्रिएटिन लोड करने के बाद आपको उसकी नॉर्मल डोसेज पर जाना है। मतलब कि 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन पूरे दिन में आगे के लिए। और जो लोग नो लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे वो भी पूरे दिन में क्रिएटिन किसी भी टाइम ले सकते हैं, बट अगर आप पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में वर्कआउट करने के बाद जो मसल डैमेज होते हैं, क्रिएटिन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मसल डैमेज और सोरनेस को कम करता है। और काफी रिसर्च ने ऐसा भी सजेस्ट किया है कि क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट लेने से क्रिएटिन हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन के अराउंड क्या क्या मिथ्स फैली हुई है। नंबर 1, जब हम क्रिएटिन लेना बंद कर देते हैं हमने जो क्रिएटिन से मसल मास पुट ऑन किया है वो लॉस हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर हमारी जो स्ट्रेंथ गेन हुई थी वो कम होने लगती है, बट आफ्टर 2 to 4 weeks, क्योंकि हमारे ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लेवल कम हो जाते हैं जो कि हमारे क्रिएटिन लेने से इंक्रीज हुए थे। सेकेंड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिएटिन की साइकिल होती है, मतलब कि क्रिएटिन को हमें 3 month लेना चाहिए और 3 month ऑफ करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्रिएटिन को 12 के 12 महीने ले सकते हैं, मगर उसकी रिकमेंडेड डोज 3 to 5 ग्राम में। नंबर 3, काफी लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेने से हमारे किडनी पर फर्क पड़ता है, बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्रिएटिन वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, सो इससे आपको कोई इशू नहीं होगा। मगर आपको पहले से ही किडनी या फिर कोई और हेल्थ इशू है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके ही सप्लीमेंट लें। सो आई होप आपको क्रिएटिन को लेकर जो भी क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हो गए होंगे, बट अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।